अब एक ये पूरे देश का केंद्र बनने जा रहा है अयोध्या, उसकी यात्रा के लिए लोकेश जी आज घर से निकल रहे हैं और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। देश का बल बजरंग दल, आवे जय करो वीर बजरंगे, जय श्री राम, 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 एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर वही बनाया है, अपना वचन निभाया है, मंदिर वही बनाया है। बहुत बढ़िया, आज लोकेश जी अयोध्या के लिए पद यात्रा के लिए निकल रहे हैं। हम सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता, समाज के सभी लोग लोकेश जी को शुभकामनाएं देते हैं। हमारे साथ एस ब्लॉक हनुमान मंदिर जी के संत हमारे साथ हैं। मैं आग्रह करूंगा एक बारी पंडित जी लोकेश जी को आशीर्वाद दें और इस यात्रा में सफलता के लिए कामना करें। आप एक बारी आशीर्वाद लोगों को। हनुमान जी जय श्री राम, 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 देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, बजरंग दल के जीते हैं, जीते हैं, खाली कर दो रास्ते, बजरंग दल के वास्ते, खाली कर दो रास्ते, बजरंग दल के वास्ते, खाली कर दो रास्ते, बजरंग दल के वास्ते, अपना वचन निभाया है, मंदिर वही बनाया है, अपना वचन निभाया है, मंदिर वही बनाया है। जो है अस्थाल प्रखंड के एक बजरंगी हमसे आ रहे मिलने के लिए, बाकी सारे बजरंगी वो तो आपने देख ही लिया जो हमारे प्रखंड के हैं यानी विकास नगर प्रखंड के। तो अभी वो आ रहे हैं नाले पे, यहाँ जनकपुरी विकासपुरी पे, वहाँ पे मिलते हैं। उनसे मिलने के बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। तो जय श्री राम सारे भाइयों को। तो दो लोगों ने मेरे को रास्ते में रोक के 500-500 रुपये दिए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। देखो हमारा हिंदू सनातन धर्म है, उसमें कितनी एकता है। अगर खुद नहीं जा पा रहे तो दूसरों के प्रति अपनी प्रार्थना को पहुंचाना चाह रहे हैं। ये है हमारा हिंदू धर्म, ये है हमारा सनातन धर्म, सनातन धर्म की जय हो। तो दोस्तों मैं रोड पे, मेन रोड पे जो आ चुका हूँ और ठंड का जो है ना वो 1% नामोनिशान नहीं है मेरे शरीर में। जो टोपी पहनी थी मैंने वो भी उतार दी, ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है। पहुँच जाऊँगा मैं जय श्री राम की कृपा से। तो जय श्री राम सारे भाइयों को। मेरे को निकले हुए हो चुके हैं लगभग 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे और मैं पहुंच चुका हूं टैगोर गार्डन। तो भगवान मेरा साथ है ही, दिक्कत किसी बात की है नहीं, ठंड है और कंट्रोल है, चलते हैं। बस जय श्री राम। तो जय श्री राम सबको।
मैं पहुंच चुका हूँ राजौरी गार्डन और अभी मेरे को निकले हुए लगभग 3 घंटे मान के चलो 3 घंटे हो चुके हैं। मैं अभी पहुंच चुका हूँ राजौरी गार्डन। तो दोस्तों मुझे चलते चलते 3.5 घंटे हो चुके हैं। मैं निकला था 3 बजे और अभी 6:30 हो रहे हैं, 6:27, और मैं पहुंच चुका हूँ कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन। ये देख सकते हैं आप कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन। रुकावट तो हो रही है पर जय श्री राम का नाम लेकर पहुंच जाएंगे बस अयोध्या। श्री राम का नाम लेते हुए जय श्री राम। तो जय श्री राम सारे भाइयों को। पहला स्टॉप लिया था मैंने यहाँ पर, चकीरा नाम है ये जगह का, शादीपुर से पहले पड़ता है और अंधेरा पूरा ही हो चुका, पूरा अंधेरा चारों तरफ, ठंड है, ठंड की बहुत हो रही है, पैर की हालत थोड़ी खराबी है। बस पहुंच जाएंगे। तो जय श्री राम सारे भाइयों को। जय श्री राम हमारे साथ सारे भाइयों को, सारे साथी मिल गए थे। ये भैया मिल गए हमें रास्ते में, उन्हें बोला वीडियो बनानी है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं चलो बनाते हैं। बाकी भैया वीडियो देखते रहना, ठीक है? ठीक है भाई, वीडियो देखते रहना। और भैया ने बताया कि पहले से देखते थे वीडियो भी, ठीक है? तो भैया ऐसी वीडियो देखते रहना, ठीक है? और लोगों को बताना, थोड़ा मोटिवेट करना, ठीक है भैया? ठीक है भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों मुझे दिखा यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है राजेंद्र प्लेस में, वहाँ पे सोच रहा हूँ रुकने के लिए क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। देखते हैं यहाँ पे ये रुकने के लिए अलाउ करते हैं या नहीं करते, अगर नहीं करते तो आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर भी श्री राम तो है साथ में। सो दोस्तों मैं गया था वहाँ पे पेट्रोल पंप में, वहाँ पे उनने बोला कि ज़्यादा नहीं 3 किलोमीटर आगे एक मंदिर है, हनुमान मंदिर बहुत बड़ा, वहाँ पे जाके विश्राम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनने बोला कि कुछ बिछाने वगैरह के लिए। मैंने फिर भी बोला, इनका मन नहीं था या फिर ये काम करने वाले थे मैनेजर कोई था नहीं यहाँ पे, इस वजह से मैंने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया, ज़्यादा पूछा भी नहीं। मैं बोला आगे चलो जय श्री राम की कृपा से, जय श्री राम का नारा लगाते पहुँच जाएंगे। श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम सारे भाइयों को। मैं पहुँच चुका हूँ राजेंद्र प्लेस, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, देख सकते हैं आप। अंधेरा हो गया चारों तरफ, बड़ा डर भी लग रहा है कि गद्दार इसलिए है कि चोरी चकारी का, और ठंड तो है ही, वो तो चलो अलग बात है ठंड की, तो बाकी मेन जो डर है वो तो चोरी चकारी का है कि चोरी ना हो जाए और सेफली पहुंच जाऊं, क्योंकि जो आगे रास्ता आने वाला है वो होगा यमुना नदी के पुल से पार करके, और यमुना नदी के किनारे चारों तरफ जंगल है, जिसमें से कि मैंने कुछ दिन पहले रील भी देखी थी कि चोरी लूटपाट हो रही थी, तो इसके लिए थोड़ा सोचा तो आगे जा रहे हैं। यहाँ पे पास में पेट्रोल पंप पे पूछा था, उन्होंने बोला आगे जाओ, आगे एक मंदिर है, वहाँ मंदिर पे जाके विश्राम कर लेना, पेट्रोल पंप पे तो मना कर दिया। कोई बात नहीं भाई, जय श्री राम का नारा लगाते हुए पहुँच जाएंगे हम। जय श्री राम। तो जय श्री राम सारे भाई को। देखते देखते हम पहुँच गए तरुणबाग दृष्टि IAS, और अभी तक हमें कोई जगह नहीं मिली जहाँ हम रुक सके, चलते हैं पहले जगह ढूंढते हैं। तो जय श्री राम सभी को। मंदिर तो हम पहुँच चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे अलाव करते हैं अपने मंदिर के आगे, देख सकते हैं मंदिर अच्छे बन रहा है, थोड़ा रेनोवेट हो रहा है। आप